जीत वैब टीवी समूह दर्शकों का स्वागत है। पे कमीशन लैके अज सिविल अस्पताल बटाला जड़ा है पैरामेडिकल स्टाफ एक्सरे स्टाफ होर कामे कई कच्चे कामी भी जड़े है उन्होंने नाल जुड़ के मंग कर रहे हैं कि जड़ा सरकार वालों पे कमीशन लागू किया गया है उन्होंने जल्दी तो जल्दी रद्द किया जाए। अज जड़ा है हड़ताल का दूसरा दिन है, कलम छोड़ हड़ताल चल रही है। तो सिविल अस्पताल के अंदर बैठ के मुलाजम जड़ा है सरकार के विरुद्ध रोस प्रदर्शन करते कर रहे हैं। उन्होंने असी गलबात करांगे। फार्मेसी अफसर सिविल अस्पताल बटाला वित्त सकत्र फार्मेसी एसोसीएशन गुरदासपुर अज असी समूह सांझा मुलाजम मोर्चा कमेटी वालों सिविल अस्पताल पंजाब सरकार के विरुद्ध जिहड़ा पे कमीशन दिता सानू जिन्हां सानू साढ़े ग्रेड पे जिहड़े दिते सी खो के सानू गिणतियां मिणतियां च पे कमीशन उलझा के रखता। तो असी सरकार नू पुरजोर बेनती करते हैं कि इहनू रद्द किया जाए। साढ़े हैल्थ विभाग वाले जिहड़े कोविड के वॉरियर सी इन्हां नाल इंसाफ किया जाए। सर सरकार वालों मुलाजमान की काफ़ी तनखा वा पर मुलाजम वर्ग क्यों नहीं संतुष्ट है? नहीं सर कोई सारे सारे इंडिया च ही जो तनखा वा जे पहले पत्ते पे वो खोए जा रहे हैं। जो हाउस रेंट है 5% जो एक्स्ट्रा मिलता है वो भी कट किया जा रहा वा। डॉक्टर का जिदा NPA जो वो 25 तो घटा के 20 कर दिता गया। इस तरह होर भी जरा सरकार वालों घटा दिता गया। सरकार ने भद्दा मजाक क्यों किया? ये तो सरकार ही जानती है भी क्यों कर रही है जेडे जो कि इन्ना काम कर रहे हैं मुलाजम सरकार के विरुद्ध की करन जा रहे हो? अजय जो भी जरा सांझा मोर्चा कक्ष कमेटी अजय तो 2 दिन की पेंड जी उन्होंने स्ट्राइक की गां जो भी फैसला जथेबंदियां देंगे उस अनुसार जरा कर दिया जाऊगा। मैं कमलजीत कौर स्टाफ नर्स सिविल अस्पताल बटाला। सानू इत्थे दूसरा दिन है स्ट्राइक का। साडा सरकार ने कुछ भी नहीं सानू मतलब कि जे आप इन्ना कोविड काम किया इन्ना अगे हो के सारा कुछ किया कोविड वारीयर कहते हैं सानू पर साडियां मंगा बिल्कुल कोई नहीं मंगिया गई। जे पे कमीशन की रिपोर्ट दिती है हार के किन्ने चिर बाद तो वह भी सानू मतलब कि साडे हक च नहीं हैगी। सानू साडा 4600 का ग्रेड पे चलता पिया सी पहला जिहड़ा कि हुण इन्हां ने 3200 का कर दिता है। तो मुलाजम साढ़े इन्ने चिर तो कच्चे ने जिहड़े उन्होंने लारे लाई जाते हैं कि तुहानू पक्के करांगे अज तक पक्के नहीं किया। ठीक है बाकी ये बाकी जो भी बाकी भैनों ने दस्या तुहानू साडीआं इह सारीआं मंगां ने। थैंक यू। सरकार ने जिहड़ी पे कमीशन की जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती हैगी है उहदे च तुहानू हक देण दी जिहड़ा क्या हक खोले ने तुहाडे कोलों? हाँ जी बिल्कुल जी साडा पहला 4600 का ग्रेड पे सीगा ते हुण साडा इहदे विच 3200 का शो कर रिहा जी। तुहाडे नाल डॉक्टर भी नाल सहमत ने जी? हाँ सारे हैल्थ मुलाजम जिन्ने भी मैडिकल रिलेटड पैरामैडिकल नर्स यूनियन सारे साडे नाल ने जी। ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ? ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4600 ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ 3200 ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੈਨ ਛੋੜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਪੈਨ ਛੋੜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ।
हेल्थ वर्कर फीमेल सिविल होस्पिटल बटाला। सानू ये उम्मीद नहीं सी कि असी करोना COVID-19 दे विच इन्ना काम किया, रात दिन कित्थे कित्थे जाके अर्बन एरिया की रूलर एरिया की सारे पासे जाके असी कोविड दे रात दिन टेस्ट किए, मरीजां दी सेवा की। फिर असी हुण जे वैक्सीनेशन है तो वह असी शाम के 7-7 बजे तक ड्यूटी की, पर सानू सरकार तो यह उम्मीद नहीं सी कि सरकार साडी झोली विच आ वाले फुल पाएगी जिहड़े कि असी कदी उम्मीद नहीं सी रखते। हाँ, असी एक गल असी जरूर कहने सरकार नू, भई जे साडे हक सानू ना दिते गए, ये वाली जिहड़ी पे कमीशन ने रिपोर्ट दिती आ ये वाली ना रद्द कीती, ते साडी स्ट्राइक जिहड़ी आ ये लगातार चलेगी। सरकार नू असर पए ना जां ना पए, पर मरीजां ते जरूर असर हो रहा है। सरकार जे मरीजां ते तरस करदी आ ते साडियां हक्कां नू हक जिहड़े ने सानू उहनू देने चाहीदे ने, साडे हक हुण तों ही मन्नणे चाहीदे ने। थैंक यू जी। पे कमीशन दी जिहड़ी रिपोर्ट पेश कीती गई है, पैरामेडिकल स्टाफ ने अज दूसरे दिन की हड़ताल दौरान उन्होंने कहा है भी सरकार ने साडे नाल पत्ता मजाक किया है क्योंकि असी करोना वारियर है, असी करोना दौरान जिहड़ा है वध चढ़ के काम किया है, सरकार नूं साडी सहायता करन दी बजाय सरकार ने साडे हक भी खोले ने। मैं जतिंदर कद, अजीत वैब टीवी बटाला।